Hey guys, welcome back to a new video on our channel, The Grooming World. जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं The Grooming World, उनको पता होगा कि कितना ज्यादा मैं बिजी हूँ और क्या क्या चीजें चल रही हैं मेरे इंस्टा पर. और उसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आई एम रियली सॉरी कि वीडियोस लेट आ रहे हैं. जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं एएस के लिए, मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप पहले मेरी सारी वीडियोस देखें, उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं. तो हाल में आपने देखा होगा कि जो मेरे दोस्त हैं वो लोग मेरे साथ वर्कआउट करते हैं, हम लोग साथ में वर्कआउट करते हैं. तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे कपल की जिनकी मैं दिल से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ. उस कपल को मैं अपने भैया भाभी का ही दर्जा देता हूँ. वो वैसे तो मेरे जिम फ्रेंड्स हैं, पहले से मैंने फॉलो कर रहा था क्योंकि उनको ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक होने के जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो वर्कआउट करती हैं. उनकी राइट लेग में पोलियो है, उसके बाद भी वो इतना ज्यादा वर्कआउट करती हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं. और गेस व्हाट, उन्हें भी वही वाली प्रॉब्लम है बैक में जो मुझे है, उसके बावजूद वो इतना अच्छा वर्कआउट करते हैं. तो वी डिड अ देसी पुशअप चैलेंज. कोई भी चीज़ अगर हम प्लान करके करते हैं तो वो हो नहीं पाती, लेकिन जब आप एकदम रैंडम कोई भी सीन बनाते हो तो आपका बन जाता है. मेरा ये वीडियो डालने का मेन मकसद यही है कि मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप लड़ नहीं सकते. अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, अगर आप कोई चीज़ सोच लोगे कि आपको करनी है, ठीक होना है, और आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो आप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के. थोड़ा सा वक्त लगता है चीज़ को ठीक होने में, लेकिन सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं और हो सकती हैं. असल में देखा जाए तो वी आर नॉट कम्पीटिंग विद ईच अदर, वी आर इम्प्रूविंग ईच अदर. देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ दैट आई एम इन नो कॉम्पिटिशन विद नो वन. आई रन माई ओन रेस. आई हैव नो डिजायर टू प्ले द गेम ऑफ बींग बेटर देन एनी वन इन एनी वे shape or form. I just aim to improve to be better than I was before. That's me and I'm free. अगर आप इस thought से कोई भी competition challenge करेंगे तो आप हमेशा free रहेंगे. इसलिए तो असली विनर रिम्पी भाभी ही हैं. उन्होंने इतना अच्छा से कम्पीट किया, पहले तो मेरे को यही लग रहा था कि वो हमें हरा देंगी, लेकिन उनको पता है कि उनको एक जगह आके रुकना है, जैसे कि मुझे पता था मुझे कहाँ रुकना है. लेकिन भैया का कोई मुकाबला नहीं है. उनका स्टेमिना, उनका विल पावर मुझसे बहुत ऊपर है, और मुझे बहुत मज़ा आने लग गया था. मुझे फील होने लग गया था कि जो चैलेंज हम कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे इम्प्रूव कर रहा है. एक एक रैप के साथ मैं फील कर सकता था जो पंप हमारा बढ़ रहा है. वो मुझसे पहले पुशअप्स कर चुके थे, मैं तो बाद में रनिंग वगैरह करके आया था. एएस वॉरियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि हमें वर्कआउट करते हुए बहुत टाइम हो गया, हम बहुत पहले से वर्कआउट कर रहे हैं. तो कोई ऐसा चैलेंज मत करना जिससे आपकी बैक में प्रॉब्लम आ जाए. जितना आपकी बॉडी सहन कर पाए उतना ही ज़्यादा आपको वर्कआउट करना. बिलीव मी, वी डोंट ग्रो व्हेन थिंग्स आर इजी, वी ग्रो ओनली व्हेन वी फेस चैलेंजेस. मेरी बैंड बजने लग गई है. जिम में जितने भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इन पर बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. सब लोग बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, वो अपने उसी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालते हैं और वर्कआउट करते हैं. जो हमारा चैलेंज था इसमें भी यही हुआ, मैंने अपने आप को पुश किया जो मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ. और आप ये भी कह सकते हो कि मैंने थोड़ा जल्दी छोड़ा भी इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बैक की जो प्रॉब्लम है वो कहीं बढ़ ना जाए. और आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को एक लेवल बढ़ाना है. और अब आपको लगता है कि हाँ आपने एक लेवल बढ़ा लिया है और आप इतना ही कर सकते हो तो आप उतना करो, लेकिन अगर आप अपना पूरा 100% दे के और ज़्यादा आगे जा सकते हो तो आपको जाना चाहिए. जैसा कि प्रदीप भैया ने किया, उन्होंने अपने आप को बढ़ाते गए और लास्ट में वो ये चैलेंज जीत गए. अब वो मेरे सीनियर भी हैं जिम में, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से मुझसे बड़े हैं और बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं. और उनका भी जो वर्कआउट करने का तरीका है वो मेरे वाला ही तरीका है. वो भी HIIT करते हैं. HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती क्योंकि बोन और जॉइंट पे वो थोड़ा सा डालती है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे टाइप के होते हैं उन लोगों को उसी को करने में मज़ा आता है क्योंकि एक तो उसमें मसल डेवलपमेंट आपकी ज़्यादा होती है और वो कम टाइम में आपकी ज़्यादा कैलरीज बर्न कर पाता है. मतलब यू बर्न फैट फास्टर एंड यू डोंट लूज मसल व्हेन यू परफॉर्म HIIT वर्कआउट्स.
तो ये इस तरीके से काम करता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।